देखो हम लोग प्रैक्टिकल किसका करने जा रहे हैं, आर्जेलिक अम्ल के ज्ञात विलयन जो K-NO4 है यानी पोटेशियम परमैंगनेट, उस विलयन की सांद्रता या मोलरता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आर्जेलिक अम्ल, ये आपका क्या है आर्जेलिक अम्ल, इसका मुझे क्या बनाना होगा, विलयन बनाना होगा। ठीक है, और विलयन बनाने के लिए आप जानते हो ये आर्जेलिक अम्ल है, इसका अणुभार कितना होता है 126 ग्राम होता है। ठीक है, तो 126 होता है, तो अगर एक लीटर का विलयन बनाना है उसमें 126 ग्राम ये मिक्स है, इसका मतलब उसकी मोलरता कितनी है, एक। तो अब 126 ग्राम मिलाएंगे तो आधा डिब्बा तो खाली हो जाएगा जी। तो हम क्या करेंगे, कम से कम बनाएंगे और उससे क्या करेंगे, KNO4 विलयन की सांद्रता मापेंगे। तो हम बना रहे 250 ml का और मोलरता उसकी रखेंगे कितनी, लंबाई 10 यानी 1/10। तो 1/10 मोलरता का विलयन बनाने के लिए आर्जेलिक अम्ल का हमें लेना होगा 3.15 ग्राम आर्जेलिक अम्ल। तो 3.15 ग्राम लेने के लिए इस रासायनिक तुला में हम क्या करेंगे, तौलेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिखा दीजिए, ये रासायनिक तुला में हमने कंपाउंड रख लिया है। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे ताकि वायु इसमें प्रवेश ना कर पाए। ये पहले से तौल के रखा गया है। ठीक है, यहाँ देखो इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, और वैसे मैंने सब कुछ फिट कर दिया है, एक बार तौल चुके हैं तो दिखाने के लिए, यहाँ वीडियो थोड़ा इधर कर दो। तो देखो यहाँ जब उठा रहे हैं हम, तो ये लगभग क्या है, रासायनिक तुला दोनों तरफ उठ रहा है ना, यानी हमारा 3.15 ग्राम हमने जो सेट किया है बांट, वो हमारा रखा हुआ। ठीक है, तो ये आर्जेलिक अम्ल जो है कितना है, 3.15। अब 3.15 ही तौला हुआ है हमारा आर्जेलिक अम्ल, अब इसको क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे और विलयन बनाएंगे। तो इसको हम उठा लेते हैं और इसको क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करते हैं, मिक्स करेंगे। तो इसके लिए हमें राउंड बॉटम फ्लास्क लेना होगा 250 ml वाला, उसमें इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और पानी डालकर 250 ml क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम K-NO4 विलयन की सांद्रता मापेंगे। ठीक है, तो 3.15 एक कंपाउंड है, इसको हमें क्या बनाना है, 250 ml का विलयन बनाना ना। तो 250 ml विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ये देखो इस पर कितना लिखा है, 250 ml। ठीक है, और यहाँ देखो अगर ध्यान से देखोगे तो एक रिंग बनी है। तो यहां तक मुझे क्या करना है, इस कंपाउंड को मिक्स कर लेना है। तो इस कंपाउंड को मिक्स करके पानी के साथ इसका विलयन बना लेना। तो जो विलयन बनेगा ये क्या था, आर्जेलिक अम्ल था ना। तो आर्जेलिक अम्ल का विलयन बनेगा और उसकी मोलरता कितनी रहेगी, 1/10 या m/10। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां से एक बीकर ले लेता हूं भाई। इस बीकर में कंपाउंड क्या कर लेते हैं, हम डाल देते हैं। ठीक है, ये पूरा कंपाउंड क्या हो गया, मिक्स हो गया इसमें। और इसके बाद जो है इसमें वाटर डालते हैं भाई, देखो ये वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा ना। ये डिस्टिल्ड वाटर है भाई, यानी शुद्ध पानी आपको लेना है। और इसमें क्या कर देना है, इसको डाल देना ना। yes, तो इसको हम डाल रहे हैं भाई। अभी कुछ इसमें बचा है ना। हाँ बिल्कुल बचा है भाई, ये इस प्रकार से इसमें डालेंगे कि कोई भी कंपाउंड इसमें से बर्बाद ना जाए। जितना भी आर्जेलिक अम्ल हमने लिया है 3.15 ग्राम, सब इसी में क्या हो जाना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए ना। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कई बार इसमें क्या करेंगे, मिला लेंगे तो विलयन आपका बन जाएगा। और जिसकी नॉर्मलता कितनी रहेगी, नॉर्मलता नहीं मोलरता, m/10 ना। थोड़ा सा कंपाउंड बचा है ना, पुनः इसमें मिला रहे हैं भाई जल, ताकि इसका थोड़ा सा भी कण इसमें ना रह जाए। इसमें तो कंपाउंड गला है ना सब। इधर देखो, अब इसको मुझे 250 ml क्या करना, कंप्लीट कर देना है ना। yes,
वो छोटे छोटे कण तो आपको थोड़ी ना दिखाई देंगे। जैसे मान लीजिए कोई गंदगी लग जाती है तो बार बार आप उसे धुलते हो ना, क्योंकि एक बार धुलने से गंदगी साफ नहीं होगी, पहले उसके कुछ कण आएंगे बाहर, फिर धीरे धीरे। तो ऐसे ही जब हमने इसमें ऑक्सैलिक अम्ल डाला तो उसका कुछ कण आया। अब जैसे मान के चलिए ये हमने पूरा डाल दिया, लेकिन कुछ बूंदें इसकी जो हैं बची हुई हैं, इसमें ऑक्सैलिक अम्ल है, तो बार बार ऐसा करने से, जैसे इसमें वाटर हम डालेंगे बार बार, तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी बाहर। अब इसको क्या करना है, मुझे कंप्लीट कर लेना रिंग तक। रिंग दिखा दे रही है इसमें, देखो वीडियो में दिखा दे रही है, यहाँ तक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया ना। अब ये आपका जो विलयन बना है, किसका विलयन बना है, सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का ना, जिसकी मोलरता कितनी है, m/10। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो देखो इसमें ये 250 ml का विलयन है, जिसमें 3.15 ग्राम क्या है आपका ऑक्सैलिक अम्ल है। इसका मतलब ये जो आपका विलयन बना है 1/10 molarता का ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन है। अब ये मुझे ज्ञात विलयन है, ठीक है, जिसकी मोलरता मुझे क्या है, ज्ञात है। अब एक विलयन हम ऐसा बनाएंगे जिसकी मोलरता मुझे ज्ञात नहीं होगी, और वो विलयन होगा KMnO4 का। तो ये है आपका KMnO4। तो KMnO4 को हम मिक्स करेंगे, ना मुझे पता होगा ना आपको पता होगा कि इसकी मोलरता कितनी है, क्योंकि इसको हम तौल के नहीं डालेंगे, ठीक है, वैसे डायरेक्ट डाल देंगे। तो स्पैचुला लाओ भाई, ये रहा स्पैचुला ना, अब इसको जो है इसी में मिक्स कर देते हैं, थोड़ा वाटर लेते हैं। ये मैंने क्या किया, इसमें इतना मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसमें मिक्स करने के बाद, अब आपको पता है कि कितना ग्राम मिक्स किया गया है, नहीं ना, तो आपको पता नहीं है, लेकिन अब आप एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता करेंगे कि कितना ग्राम इसमें मिक्स किया गया है। तो इसको बढ़िया से हम क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद इस विलयन के द्वारा, ये ज्ञात विलयन है आपका ऑक्सैलिक अम्ल का, और ये अज्ञात विलयन है, तो इस अज्ञात विलयन की सांद्रता या मोलरता हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। इसकी सहायता से, इस ब्यूरेट स्टैंड की सहायता से। तो पहले इसको हम क्या करें, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये मिक्स हो गया ना, अब मुझे लेना होगा पिपेट, और पिपेट से इस अम्ल को क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। तो उधर से एक काम करो, पिपेट उठाओ। तो ये देखो भाई, ये क्या है, पिपेट है, ठीक है। और ये पिपेट जो है, इस पर ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, 25 ml ना, तो 25 ml का क्या है, पिपेट है, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ तक रिंग बनी हुई है, आपको इसमें जो है ये ऑक्सैलिक अम्ल क्या होगा, भरना होगा, कहाँ से, यहाँ से लेकर भरना होगा, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो पिपेट की सहायता से हम क्या करेंगे, ऑक्सैलिक अम्ल इसमें भरेंगे। तो ऑक्सैलिक अम्ल का केवल 25 ml यहाँ तक आ जाएगा, वो मुझे लेना है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल देना है, और उसको 50 से 60 या 60 से 70 डिग्री तक क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करने के बाद इस ब्यूरेट स्टैंड की सहायता से हम क्या करेंगे, उसमें KMnO4 विलयन डालेंगे। तो जैसे ही विलयन डालेंगे, इसका रंग गायब होता जाएगा, और जैसे ही इसका रंग गायब होता जाएगा, हम नोट करते रहेंगे कि कहां पर रंग स्थिर हो रहा है। गायब होने का मतलब अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें जितने कण होंगे, ऑक्सैलिक अम्ल के जितने कण होंगे, सब एक दूसरे से रिएक्ट करते रहेंगे, और जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल के कण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही समाप्त होंगे, तो ये कलर फिर गायब होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके कण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और वहां हम रीडिंग नोट कर लेंगे कितना ml मिलाने पर इसका रंग गायब हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो है, जो ऑक्सैलिक अम्ल हमने बनाया है, कितना लेना है मुझे, 25 ml, ठीक है। तो देखो बच्चों ने इसमें क्या किया भाई, काफी मेहनत से जो है इसमें ऑक्सैलिक अम्ल भरा है। तो ये जो आपका पिपेट है, इसमें 25 ml क्या है, ऑक्सैलिक अम्ल है। और यहाँ जो रिंग बनी हुई है, यहाँ तक मुझे ऑक्सैलिक अम्ल चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ करके हम इसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं,
कम हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, यस सर, बस ओके। अरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो आपका कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, इसी में क्या कर देना है, इसको मिक्स कर देना है, पूरा डाल देना है, ठीक है। तो ये हम डाल रहे हैं भाई, ये मिक्स हो गया ना। अब इसमें थोड़ा सा H2SO4 मिक्स कर देते हैं भाई, हाँ इधर लाओ, हाँ H2SO4 है ना, ये सांद्र है, इसको तन बनाने के लिए थोड़ा इसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये मिक्स हो गया, ये आपका तन H2SO4 हो गया ना। अब इसमें जो है आपको थोड़ा सा मिक्स करना है, ताकि ये जो है सही से प्रैक्टिकल हो जाए। ठीक है, मिक्स हो गया ना। अब आपको क्या करना है, इसमें जो है इसको थोड़ा हीट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने क्या लिया था, ऑक्सैलिक अम्ल लिया था ना, उसकी मोलरता थी M/10, ठीक है। इसमें थोड़ा सामने क्या मिला था, तनु H2SO4। अब इसको मुझे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक क्या करना, हीट करना है। और ये K-MnO4 विलयन है, ठीक है। इसकी सांद्रता मुझे मालूम नहीं है, या ना तो मोलरता मालूम ना सांद्रता। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इस ज्ञात विलयन के द्वारा इस अज्ञात विलयन की मोलरता और सांद्रता दोनों ज्ञात करेंगे, और वो भी किसकी सहायता से, इस ब्यूरेट स्टैंड की सहायता से, ठीक है। तो एक थर्मामीटर लाओ पहले, और होगा उसमें, और इसका देखो ये हीट हो रहा है ना, yes, तो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, या 60 से 70 हो जाए। हाँ ये लगभग देखो पहुंच गया है आपका 50 अभी पहुंचा। कैसे पता चलता है सर, ये दिखा वो देखो 60 पे पहुंचने आ रहा है, ठीक है। तो ये 60 या 70 के करीब हीट करना है बस, ठीक है। और इसके बाद ये देखो ये ब्यूरेट में हम क्या डाल रहे हैं, K-MnO4। इसको पहले बंद कर देते हैं भाई, देखो इसको जीरो तक फिल करना है, ठीक है। बस अब इसको जो है रख देते हैं, रख दो। ऊपर हो गया ना, यानी जीरो पर रहना चाहिए, ठीक है। तो जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, हाँ देखो इसको हाफ कर दो, बस। अब देखो जीरो पर है ना, अब इसमें जब डालेंगे हम तो इसका रंग क्या होता जाएगा, गायब होता जाएगा, इस K-MnO4 का रंग, ठीक है। और इसको जब तक हम डालेंगे जब तक इसका रंग स्टेबल ना हो जाए, इसमें स्थिर ना हो जाए। तो जैसे रंग स्थिर होगा, जैसे हम मान लेंगे कि वो अभिक्रिया क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और हम नोट कर लेंगे यहाँ ब्यूरेट से कि कितना ml मैंने K-MnO4 डाला है। तो अब एक काम कर रहे हैं, इधर मैंने क्या किया देखो, अब बूंद बूंद करके डालना है, ठीक है। गायब हो गया ना रंग, ऐसे इसको मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये गिरने के बाद इसमें रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, या अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है नीचे से दिखेगा, पचास
आप देखो इसका रंग स्टेबल हो गया ना, नहीं बदल रहा ना, अब ये रंग चेंज नहीं हो रहा, यानी इसमें स्टेबल हो रहा है ना, तो अब ये रंग चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब रीडिंग आपकी कितनी आई लगभग? चार के करीब है ना, तो चार नोट कर लेते हैं एक। तो देखो यहाँ के मनो फोर पहली रीडिंग कितनी आई है? चार। चार एम एल ना, चार एम एल पर क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया है। अब ऐसे हम क्या करेंगे, दो तीन रीडिंग लेंगे, तो इसको रख देते हैं अलग। चलो भाई फिर से इसको क्या करते हैं, हीट करते ना। तो ये 60 से ऊपर पहुंच गया ना था, अब इसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं भाई। ट्वेल्व पर देखो कहाँ तक है, 12 पर है ना। अब जैसे 13 पर जाएगा तो 1 एमएल, 14 पर जाएगा तो 2 एमएल, तो पहले क्यों ना 3 एमएल तक पहुंचा दे शादी सीधा। थर्टीन गायब हो गया ना, है आधा एमएल और मिला है। देखो वीडियो चल रहा है ना, अब देखो इसका क्या हो गया, कलर गायब हो गया ना, अभी और मिलाना पड़ेगा। अब गायब नहीं हो रहा ना, 4 एमएल लिख लो, चौथी रीडिंग 4 एमएल लिख लो। बस अब केवल कैलकुलेशन करना है, क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों हमने जो है प्रैक्टिकल कर लिया था, रीडिंग भी नोट कर ली थी। ये देखिए टेबल आपकी बनी हुई है, इसमें यहाँ आगजेली कमला है, ब्यूरेट का प्रारंभिक पाठ्यांक है, ब्यूरेट का अंतिम पाठ्यांक है, और प्रयुक्त आयतन यानी के एम एन ओ फोर यहाँ लिखना चाहिए था, के एम एन ओ फोर का प्रयुक्त आयतन कितना है। तो पहले देखिए हमने 25 एम एल लिया था पीपेट की सहायता से, उस समय रीडिंग जीरो थी शुरू शुरू में, 4 एम एल हमने उसमें मिलाया तब कलर जाके स्टेबल हुआ था, तो हमने कहा के एम एन ओ फोर का कितना है, 4 एम एल हमने यूज किया है तब जाके हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई। दूसरे बार भी हमने 25 एम एल ही लिया था, तीसरी बार भी हमने 25 एम एल लिया था, और चौथी बार भी हमने 25 एम एल ही लिया था। तो ब्यूरेट का यहाँ देखिए पाठ्यांक हम नोट कर रहे थे, 4.8, 8 से 11.5, 11.5 से 15.5। तो दूसरी रीडिंग में हमारा आया था 4 एम एल के एम एन ओ फोर, तीसरी रीडिंग में आया था हमारा 3.5 एम एल, चौथी में भी कितना आया था, 4 आया था, वो नीचे है दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिए इसमें इसको हम हटा देते हैं, ये चौथी में कितना आया था, 4 एम एल। तो यहाँ हुआ क्या था कि थर्ड रीडिंग में कुछ गलतियाँ हो गई थी जिसके कारण इसमें 3.5 आया था, नहीं तो 4 एम एल ही आता। तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 एम एल ही प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सूत्र क्या लगाएंगे। यहाँ देखिए सूत्र यहाँ आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ जो सूत्र है A1 M1 B1 = A2 M2 B2, ठीक है, A1 M1 B1 A2 M2 B2। तो अगर A1 और A2 अभी समीकरण के द्वारा समझा देंगे, M1 क्या है, मोलरता, किसकी, आगजेली कम लिखी, B1 क्या है, M1 मोलरता है, B1 आयतन है, वो भी आगजेली कम का, M2 किसकी मोलरता है, K-4 पोटेशियम पर मैग्नेट की, B2 क्या है, उसकी उसका आयतन है K-4 का। देखो ये A1 A2 समझने के लिए यहाँ थोड़ा हम रिएक्शन पर आते हैं इधर, ठीक है। ये देखिए यहाँ आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, ये देखो पूरा ध्यान से देखो, ये रिएक्शन ही लिखी हुई है। तो देखो 2 KMnO4 यानी 2 मोल KMnO4 का ले रहे हैं और 5 मोल हम आगजेलिक अम्ल का ले रहे हैं, तब जाके रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो वही 2 और 5 लिए गए हैं, यानी उसकी मूलता बराबर करने के लिए इधर 2 से गुणा किया गया, इधर 5 से, यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो वही बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा किया गया है और यहाँ 5 से, ठीक है। तो उसके बाद हम सारा मान रख देते हैं, 25 एम एल तो हमारा आगजेलिक अम्ल था, लेकिन 4 एम एल हमारा क्या है, K-4। आगजेलिक अम्ल की मूलरता मुझे ज्ञात थी M/10, जबकि इसकी मुझे ज्ञात नहीं थी, M2 मुझे ज्ञात करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ आएगा क्या, M/4 मूलरता हमारी कितनी आ गई, M/4। अब M/4 जो मूलरता आई है, यानी हम कह सकते हैं कि जो हमने K-4 लिया था उसकी मूलरता कितनी है, M/4 यानी 1/4 मूलर, 1 मोल भी ढंग से नहीं है, 1/4 है, ठीक है। तो ये हमने मूलरता क्या किया, ज्ञात कर लिया। अब इधर देखो इसकी सांद्रता भी हमने ज्ञात की थी, क्योंकि हम जानते हैं K-4 की मूलरता कितनी आ गई है, यहाँ देखिए M/4, तो M/4 आ गई है। K-4 का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है कि कितना द्रव्यमान हमने यूज किया है, या हम कह सकते हैं उसकी सांद्रता, तो सांद्रता जो होगी यहाँ द्रव्यमान की सांद्रता भी ले सकते हैं, तो मूलरता और गुणे मोलर द्रव्यमान, मूलरता हमारी 1/4 आई है,
और मोलर द्रव्यमान होता है 158। ठीक है, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, ये बच्चे ने गलत लिख दिया किसी ने, 158 होगा, 158। तो 158 और 1/4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 39.5 ग्राम, और ये प्रति लीटर के लिए आ गया। इसका मतलब ये है कि हमने KNO4 का 1 लीटर विलयन बनाया, उसमें KNO4 की मात्रा कितनी प्रयोग की, 39.5 ग्राम। तो यहाँ देखिए हमारा प्रयोग क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो हमने जो विलयन बनाया था KNO4, उसकी ना तो मुझे मोलरता ज्ञात थी और ना ही उसकी सांद्रता ज्ञात थी। तो मोलरता हमने ज्ञात किया, कितना आया, 1/4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, 1/4 मोल प्रति लीटर, और सांद्रता कितनी आई, 39.5 ग्राम प्रति लीटर। तो ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पूरा प्रयोग यहाँ पर है, यहाँ से हमने क्या किया था, प्रयोग हमारा क्या था। देखो ऑक्जेलिक अम्ल के मानक विलयन M/10 के अनुमापन द्वारा, यही है देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल के मानक विलयन, और मानक विलयन हमने क्या बनाया है, M/10, मूलतः कितनी है, 1/10 के अनुमापन द्वारा दिए गए KNO4 विलयन की सांद्रता और मूलरता ज्ञात करना। ठीक है, तो ये हमारा प्रयोग था, और आवश्यक उपकरण लिखा हमने, फिर सिद्धांत लिखा, उसके बाद रीडिंग हमने दिखाई दी थी, और उसके बाद जो परिणाम आया वो आप देख ही सकते हैं कि परिणाम हमारा कितना आया, ये यहाँ आपका क्या है, ये परिणाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रयोग क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रयोग है, तो आप इसे देख सकते हैं, समझ में ना आए हो तो वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लें। धन्यवाद।